देखिए दोस्तों, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इस हालत में भी परेशान किया जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और ये मेरी हालत हो जाती है, ये पहले दिन की और ये हालत है मेरी 3 4 दिन बाद की। तो ये वीडियो बना ली थी, तो ये मेरी कंडीशन है। और इस हाल में भी मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मेरी छत पे जो लैट्रिन है उसमें जाऊँ मैं। ये प्लांट हटाओ, देखो जबरदस्ती को आके ठाणी आ गई है, लट्टू लेके और कह रही है मार मार। देखो अब काय को जा रही है, अब कहो ना। देखो अपे हाथी ही चला रही है और अपे हाथ कर रही है जो नौटंकी। देखो ना, ठीक है ना। तो वो आपने सुन ली होगी, और ये ऊपर से आई थी कि मेरे सर में ईंट मार दे तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। तो हम वही, ये मेरा दरवाज़ा है, जब से मैं आई हूँ मुझे 23 साल हो गई, तब से ये जो खोल रहे हैं वो दरवाज़ा, ये तो मेरा बाथरूम तोड़ के जो मैंने अभी दिखाया है ये वाला, ये इतना सा बाथरूम बना के दे दिया है हमको, और ये जो बाथरूम तोड़ के दरवाज़ा बना दिया है मेरा जबरदस्ती का। बात ये नहीं है कि ये क्या कहते हैं, अगर सगी होती तो नहीं ये सब करती कि बच्चों को काय के लिए बिगाड़े। और मैं इनके के पास कितने, मेरे घर में आके जबरदस्ती, हाँ तुम आओ है और का तुम आ नारी का कहते हैं बना ले मैं पान तुम बना बनाओ करो तुम जंगा जोटी ना आके अपते करो ना जंगा जोटी आई बात तनते ना कोई ना कचू कर रहोगो, करो तुम जंगा जोटी करो आके ना ठाणी रहो। देखी तुम्हारो है सबो इन्हीं को सबर हो है काओ की ना। बैठ जो बैठो बैठो, और मोड़ी सरका दे पंखा माऊ ने का पंखा माऊ खींच दे, मैं कह रही हूँ पंखा माऊ खींच दे ना जा रही, खींच दे पंखा माऊ। मैं कह रही हूँ तेरा कल मैं आ जा मान ना दे। अरे तुम ही ना सुनने तो क्या करूँ, तो जीते कहने के लिए जंगा जोटी मत करो तुम बेफालतू में, अपने आते जंगा जोटी कर रही है। खोलिए तू खोल करण, बीता जाके जंगा जोटी कर रही है, फिर तुम कहा तो गए हाथ चला एगो का जेगो, बीता जाके आपको पहले तेरा जंगा जोटी कर रही है। यही सोच लेती तादना तो का कहता है, तादना सोच लेंगी कि नहीं ये रहूंगी नहीं ये खाऊंगी जे मेरो है मेरो लोड़ा है मेरी बहू है, तादना तो कुछ और ही बात होती मम्मी। और जो सोच लेती कि मेरी बहू मरी तो हमें लड़े रहना है, हमने जी कही है बस जीना तुरवा मैं कह रही है जीना बैसाख तक मैं मरी जा रही हूँ आज, मैं तो जा रही ना हूँ, मैं तो बालकन के एडमिट ना जा रही हूँ, मैं बैसी सही बैठती हूँ तो बताओ परेशान तुम हूँ रहती हूँ परेशान मैं रहती हूँ, काम में मर जाऊँ ऊपर जा जाए के मैं ऐसी में ना ना कहीं महीने का गया तक कुछ कुछ यहाँ बनी तुम नाम सब चीज तैयार बैठा लो खटिया पे बैठा मैं कोई नसल में तो मेरे बस की बात ना है। और इतनी बहस होती रही, आके घर में बैठ जाती थी या मेरे अंदर और कहती थी मार ये कर वो कर, मतलब आप ही खुद ही हम पहुंचा रही थी अपने आप को, और हम लोगों से कह रही थी, और इसलिए कह रही थी कि क्या कहते हैं हम लोगों की शिकायत कर दे, पर मैं वीडियो बनाती रही हूँ ना तो वो उतना नहीं कर पाई, वैसे हत्ता जुत्ती करती थी और जैसे ही मैं वीडियो ऑन करती थी वो नहीं करती, हमें चैन से रहने भी दिया नहीं जा रहा है। और ये रात में है तो रात में बेटा और ये गेट को खोल रहे हैं और मैं इसमें दिखाऊंगी, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 4 से 5 दिन बाद दोस्तों, और सभी बैठे हैं दादी वगैरह सब। तो दोस्तों इन्होंने इसके लिए भी रिश्तेदारों से अपने रिश्तेदारों से कह दिया था कि यानी लड़के के ससुराल कह दिया था कि मेरा ताला तोड़ के सामान निकाल रहे हैं जबरदस्ती। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना, इनका क्या ताला तोड़ के क्या सामान निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं भी तो FIR कर सकती थी, जब इन्होंने मेरा ये बाथरूम तोड़ा था तो सारी चीज़ ओपन हो गई थी, ये दरवाज़ा वैसे ही बंद था और दीवार तोड़ के इन्होंने
ये गेट लगा दिया था तो मेरे घर में भी तो सामान था पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो बस ये इतना ये कुंदे निकाल रहे हैं, सिर्फ कुंदे, कोई नहीं ताला है ना कुछ है, क्योंकि मैंने इधर से सिर्फ कुंडी लगाई थी, क्योंकि मैं जब मैं गई थी कानपुर तब मैं गेट बंद कर गई। उसके बाद इन्होंने जब पापा थे तो पापा ने कहा कि मैंने आज कर दिया है ये, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बात ये गेट खोल रहे हैं, जब से ये नीम रखी गई है यानी 35 साल पुराना ये दरवाज़ा लगा है, 35 साल पुराना दरवाज़ा इन्होंने मेरा बंद किया है और बाथरूम तोड़ के मुझे ये इतनी जगह दे दी है। और मैं इनको दिखाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी कि इनके पास कितनी ज़मीन है, कितने मकान की यूज कर रही हैं, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत करती रही हैं। घर में आके बैठ जाएंगी, ज़बरदस्ती मुझसे लड़ेंगी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है दोस्तों, उसमें मेरे ऊपर छत पर लैट्रिन बनी है उसमें जाया जाता है दोस्तों, पेट ख़राब भी हो जाता है, दवाई मुझे खानी पड़ रही है पेट भी, तो मैं कैसे जीना पर चढ़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक तरफ से पैर ही काम करना बंद कर देता है। और ना तो हमारा कोई रिश्तेदार सुनता है और ना ही गांव वाले, कोई नहीं सुनना है। और जबकि क्या कहते हैं, मैंने अपने मायके वाले नहीं बुलाए थे और उनके उन्होंने अपने समधी को बुला लिया था, वो भी क्या कहते हैं क्या, अब ये जगह देखिएगा कि कितना खजाना निकाला है हमने इनका तोड़ के। तो मैं दिखाती हूँ कि कितना क्या है, कैसे करके मेरा दरवाज़ा बंद किया। और दोस्तों वैसे कोई बात नहीं है, सगी होती तो हमारी परेशानी समझती, सौतेली ऐसी होती हैं और इसी तरीके से पूरा हड़पना चाहती हैं, ये हमारी सौतेली सास हैं तो इसलिए हमें बहुत परेशान कर रही हैं, सगी माँ सगी होती है। और दोस्तों मैंने वीडियो डाली थी, इसी दरवाजे में कचड़ा भर दिया, इसी दरवाजे से सांप आए हैं मेरे घर में, मुझे चैन से रहा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं कानपुर अकेले कैसे रह सकती हूँ, मुझसे ये कहा जा रहा है क्यों नहीं जा रही हो कानपुर, यहाँ रह क्यों रही हो, मतलब मैं अपने मकान में भी नहीं रह सकती। तो देखिएगा इतना ये इनका खजाना है और ये ताला तोड़ के निकाला है। और ये रात है और हम मैं दिन में भी कह रही हूँ गेट बंद कर लो, आ जाएंगे गेट बंद कर लो, ये रात है तो इनका ये खजाना, मेरा दरवाज़ा इस तरीके से बंद किया है, देखिएगा आप कबाड़े को मैं दिखाती हूँ किस तरीके से बंद किया है। और ये रात में, और इसी रात में मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए जो ये मेरी सास है इनका बहन का लड़का आया था, और वो भी किस तरीके से आया है मैं पूरी वीडियो बनाई है वो भी दिखाऊंगी। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हमारी जान की भी बनी है।